हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगन टाइम्स में स्वागत है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी आदि 15 योद्धा जीवित बचे। विदुर, संजय, बलराम और धृतराष्ट्र सहित कई लोगों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे महाभारत के युद्ध में किस महारथी को मारा था। तो सबसे पहले हम कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म द्वारा मारे गए योद्धाओं के बारे में आपको बताते हैं। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और एक अन्य योद्धा श्वेत भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म पितामह द्वारा सात्यकी पराजित हुए और सात्यकी के 10 पुत्र भीष्म द्वारा मारे गए। भीष्म ने पांचाल तथा मत्स्य सेनाओं का भयंकर संहार किया था। अब हम आपको बताते हैं कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने किन किन योद्धाओं और महारथियों का वध किया था। द्रोण ने द्रुपद और विराट नरेश को मारा था। द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार पाकर अपने अस्त्र त्याग दिए। द्रोणाचार्य को नियता देकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। अब हम आपको बताते हैं कर्ण ने किन किन योद्धाओं को मारा था। कर्ण ने दुर्योधन के कहने पर विशालकाय घटोत्कच का वध किया था। कर्ण ने अभिमन्यु वध का दायित्व भी लिया था। यह भी कहते हैं कि कर्ण के कहने पर कौरव महारथियों कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया था। इसके अलावा कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को भी कई बार हराया था, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण उनका वध नहीं किया था। अब हम बताते हैं कि पांडवों की ओर से किन किन योद्धाओं ने किस किस को मारा था। अर्जुन ने अपने ही बड़े भाई कर्ण का वध किया था। अर्जुन ने सिंधु नरेश जयद्रथ का वध किया था। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया था। अर्जुन इसके अलावा समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। अर्जुन असम के राजा भगदत्त से भयंकर युद्ध लड़कर बाद में उसका वध कर देते हैं। भीम ने दुशासन और दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका वध किया था। 100 कौरवों में से 97 को अकेले भीम ने ही मारा था। इसके अलावा अभिमन्यु को पीछे से मारने वाले दुशासन के पुत्र दुर्मासन को भी भीम ने ही मारा था। कर्ण के पुत्र को भीम ने मारा था। भीम का कलिंगों और निषादों से भी युद्ध हुआ था। भीम द्वारा सहस्त्रों कलिंगों और निषाद मार गिराए गए। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज, भानुमान, केतुमान व अन्य कलिंग वीर योद्धा भीम द्वारा मारे गए। अब हम आपको सात्यकी के बारे में बताते हैं। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना सुदर्शन, मलेच्छों की सेना भूरिश्रवा, कर्ण पुत्र प्रसेन थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। भूरिश्रवा बेहोश सात्यकी को मारना चाहते थे, तभी अर्जुन ने भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। फिर भूरिश्रवा वहीं बैठ गया। इसके बाद जब सात्यकी को मूर्छा हटती है तो वह भूरिश्रवा का वध कर देते हैं। युधिष्ठिर द्वारा मारे गए योद्धा शल्य का युधिष्ठिर ने वध किया था। शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा जबकि युधिष्ठिर के सौतेले मामा थे। हालांकि युधिष्ठिर ने कौरव सेना के कई और भी सैनिकों का वध किया था। नकुल व सहदेव द्वारा मारे गए योद्धा सहदेव शकुनी को मार देते हैं। कर्ण के पुत्रों को भी नकुल सहदेव ने मारा था। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के कई वीर योद्धाओं को मारा था। अब हम आपको बताते हैं घटोत्कच ने किस किस का वध किया था। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया गया, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंग नरेश की मृत्यु हो गई। तब घटोत्कच कौरव पक्ष के हजारों सैनिकों को मार देते हैं। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल देते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने के बाद दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। बाद में अभिमन्यु को दुर्योधन, जयद्रथ सहित 7 लोगों ने घेर कर मार डाला। अभिमन्यु पर सबसे पहले जयद्रथ ने पीछे से वार किया था। यह बात जानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध कर दूंगा।
यह आत्मदाह कर लूंगा। यह घोषणा सुनकर जयद्रथ छुप गया था। हालांकि श्री कृष्ण की माया से समय पूर्व ही सूर्यास्त कर दिया गया। ऐसे में अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने के लिए चिता तैयार की गई थी। तब सभी योद्धा ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। इसी बीच छुपा हुआ जयद्रथ भी बाहर निकल आया। जब उसे भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है और अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और उसकी गर्दन उतार दी। यह भी कहते हैं कि कर्ण के कहने पर सातों महारथियों कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तथा शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सर पर मारी थी उसी गदा से अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध किया था। इससे लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। इसके बाद जयद्रथ अभिमन्यु पर पीछे से वार करते हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र अलुम्बस के द्वारा वध किया गया था। युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली जाती है। सेनापति अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात में हमला कर देते हैं। अश्वत्थामा शिविर में सो रहे सभी पांचालों, द्रौपदी के पुत्रों दृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध कर देते हैं। वह घोर पाप था। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का दाह संस्कार व तर्पण किया। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन तथा वैभव से वैराग्य हो गया था।